मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली चुनाव नतीजे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। सिंह ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाइए कि शाहीन बाग तक उसका करंट पहुंचे। सिंह ने कहा कि महबूबा की बेटी ने अच्छा बयान दिया है कि अच्छा बटन दबाया और करंट उनको लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अच्छा संकेत है कि सारी शक्तियां जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाती हैं, जिन लोगों ने नागरिकता कानून का राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, पूरे देश में इनका सफाया हो गया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमें आपसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन लगता है कि राज्य के चुनाव में लोगों ने उस व्यक्ति और उस पार्टी को वोट दिया जो भाजपा को हरा सके। दिल्ली की जनता का वोट आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। उन्होंने कहा कि सीए को निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए। मैं तो शुरू से ही ये मांग करता आया हूँ कि सीए को वापस लेना चाहिए और एनआरसी नहीं लगाने की घोषणा करनी चाहिए। अगर यह लागू हो गया तो अशांति और बढ़ेगी। अशांति के माहौल में ना रोजगार बढ़ेगा और ना निवेश आएगा। अमित शाह जी ने जो कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाइए ताकि शाहीन बाग तक उसका करंट पहुंच जाए, आज मैं देख रहा था महबूबा जी की बेटी ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ऐसा बटन दबाया कि खुद उसमें वे उनको करंट लग गया। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि वो सारी शक्तियां जो कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जिन लोगों ने नागरिकता के कानून का राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास किया, हिंदू मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया, वो पूरे तरीके से उनका सफाया हो गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।